अस्सलाम वालेकुम जी एग्जैक्टली exactly, तीन बज चुके हैं मेरे पास अगर आपके पास कोई तीस चालीस सेकेंड आगे पीछे हैं सो इट्स फाइन आई थिंक वी कैन स्टार्ट आवर वर्कशॉप क्योंकि आज हमने ज़रा लंबा टाइम लगाना है चीज़ों को सीखने के लिए मेरा नाम अमार तुफैल है मैंने रिसेंटली पी एच डी किया डेटा साइंस इन एग्रीकल्चर में और रिसेंट से मुराद ढाई मतलब, साल हो गए सो so, आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे इन और आज की जो वर्कशॉप है वो बेसिकली ए टूल्स का यूज़ कैसे किया जाता है रिसर्च के अंदर स्पेसिफिकली फॉर साइंटिफिक राइटिंग के पर्पज़ के लिए आपको पता है कि ए जो है आज के दौर में बड़ी रवान दवा है चैट जीपीटी जैसे दिसंबर नवंबर में लॉन्च हुआ लास्ट ईयर उसके बाद ए का एक बहुत बड़ा बूम आया है और डिस्ट्रप्टिव इंडस्ट्री ने कैप्चर कर लिया है डिफरेंट चीजों पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंटिफिक राइटिंग के हवाले से देखें जिन लोगों का एक्सपीरियंस है यहाँ पे साइंटिफिक राइटिंग के हवाले से दे नो के लोग प्लेजरिजम के बारे में गुफ्तगु करना स्टार्ट हो गए के आया कि हम क्या ए आई टूल्स को जब यूज करके लिखते हैं तो क्या ये प्लेजरिज्म काउंट होता है या नहीं काउंट होता है और अगर काउंट होता है तो कितने परसेंट काउंट होता है अगर नहीं काउंट होता तो कितने परसेंट नहीं काउंट होता सो so, एक लंबी बहस चलने लग गई जब भी कोई एक नई चीज आती है दुनिया के अंदर तो लोग उस पर बहस करना स्टार्ट करते हैं और वो सोचते हैं कि यार इसको क्या हम अपनी पॉलिसी मैनेजमेंट में रखें यानी कि जब भी कोई पेपर एक्सेप्ट करना करना है या करना है या या रिजेक्ट क्या हम प्लेजरिज्म और बाकी चीजें थ्रू देखें देखें ना देखे? तो ये वही सीन था जब रिसेंट दिनों में कैलकुलेटर लॉन्च हुआ था तो मैथमेटिशियंस ने यूएसए के अंदर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी स्ट्राइक क्यों की थी कि जी अगर कैलकुलेटर ही यूज करना फिर हमें मैथमेटिशियंस होने का क्या फायदा उन्होंने स्ट्राइक की और आप हिस्ट्री उठा के देख लें आज के दौर में सबसे ज़्यादा यूज़ कैलकुलेटर का कौन करते हैं मैथामस रीज़न ये है कि अडेप्टिलिटी किसी भी चीज़ की ऑन टाइम बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी चीज़ को लेटर ऑन करते हैं जब वक्त गुजर गया है जज्बात गुजर गए हैं ख्याल गुजर गए हैं तो उस वक्त जाके आपको अडेप्ट का कोई फ़ायदा नहीं है तो यही मकसद आज की वर्कशॉप का आज हम टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास तीन बजे से लेकर कर दस बजे तक टाइम है और किस तरीके से हम इस वर्कशॉप को लेकर चलने वाले हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ और बाकी चीजों पर भी हम डिस्कशन करेंगे रही बात ये की। ये वर्कशॉप वर्कशॉप की जो है बेसिकली हम ना तो लाइव लेके जा रहे हैं और ना ही इसकी कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी फॉर नाउ लेकिन अगर कोई सीन बनता है जारी बात है अगर मैं अभी से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके आपको कहूंगा कि सारी के सारी अवेलेबल हो जाएगी uh, uh, तो लेट्स स्टार्ट अब हमारे पास जो लोग हैं काफ़ी आ चुके हैं मैं सिर्फ इस वजह से गुफ्तगु को लेके चल रहा था कि आपको पता चल जाए किस तरीके से हमारी वर्कशॉप जो आगे चलेगी uh, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के पास स्क्रीन जो है वो नजर आ जाएगी मेरी दो गुजारिशात हैं सभी के लिए वो ये है कि आप प्लीज अपना जो कैमरा है उसे ऑन रखिएगा इस तरीके से आप ज्यादा सीख पाएंगे और ये पिछले दो सालों का मेरा ऑनलाइन टीचिंग का ये कहता है रोजाना की बेसिस पे कि जो लोग कैमरा ऑन रखते हैं दे नो के दे आर सिटिंग समवेयर जो कैमरा बंद रखते हैं ना उनको ख्याल नहीं होता कि हम कहीं पे पढ़ रहे हैं आपका कैमरा ऑन होना आपके दिमाग में गेम चल पड़नी है कि यार कोई हमें देख रहा है एंड वी डोंट नीड टू यू नो टॉक टू अदर या हमें यहाँ से उठ के नहीं जाना क्योंकि वो बंदा क्या कहेगा या जो लोग हमें देख रहे हैं वो क्या कहेंगे बाय द वे मैंने फोकस मूड ऑन किया है मेरे अलावा आपको कोई नहीं देख पा रहा हूँ न ही आप रिकॉर्डिंग के अंदर आ रहे हैं सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट ओनली आई एम लुकिंग इन टू वुड से आप कहाँ देख रहे हैं मैं स्टार्ट करता हूँ जी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन फिर हम इस पर बात करते हैं कैमरे अगर ऑन कर लेंगे अगेन वही बात है आपका फायदा है इसमें